दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आप सभी काफी से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी पहाड़न में। तो दोस्तों आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है शाम से, और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। तो आज हम मार्केट से जल्दी आ गए थे और मौसम भी बहुत अच्छा था, चारों तरफ बर्फ पड़ने के बाद मौसम अच्छा हो रखा है। तो हमने सोचा है कि अभी टाइम है तो शाम से ही ब्लॉग के स्टार्टिंग कर देते हैं। जैसे मैं रोड से ऊपर आ रही थी तो मेरी नज़र इस पेड़ में पड़ी, जो कि आप देख सकते हैं पूरा इस पे नियार लगा हुआ है, पूरी पराली लगी हुई है इस पे। और जो ये मंडवे की जो पराली है, कोदा का नियार बोलते जिसको ना गढ़वाली में, तो ये कोदा का नियार हमारा है। इस पे ऊपर ऊपर किसी ने पता नहीं किसी ने निकाल दिया है, और मेरी नज़र इसे पड़ी है कि हमारा नियार पता नहीं किसने छोड़ दिया है। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग बना दूँ। दोस्तों ये सामने आज देख सकते हैं आपकी बर्फ कितने नीचे तक गिरी हुई है, और बहुत नीचे तक बर्फ आ रखी है, और चौखंबा भी पूरा ढका हुआ है बर्फ से। अभी हल्का हल्का कोहरा लगा है तो इसलिए दिख नहीं रहा है, और आज मौसम साफ होने वाला है शायद। थोड़ा बहुत साफ तो हुआ था फिर वैसे होने लग गया, क्योंकि कल तो मौसम विभाग के अनुसार कल तो धूप है, तो रात तक पूरा मौसम साफ हो जाएगा। और बर्फ इस बार भी नहीं आई हमारे गांव में। हल्की फुल्की बर्फ बारिश तो हुई रही है, तो कुछ भी हो सकता है अभी। और ठंड के मारे तो पूछो मत, 3-3 स्वेटर पहन रखी है मैंने। 3-3 स्वेटर पहन रखी है फिर भी इतना ठंडा लग रहा है। और अभी तो हमको तो भूख लग रही है, घर जाएंगे पहले पकौड़ी बनाएंगे, चाय और पकौड़ी खाएंगे, उसके बाद देखेंगे कितना टाइम होता है। हाँ वीडियो बना रहे दोस्तों, बारिश हो गया है फिर से शुरू, और हमारे पास सिर्फ एक ही छाता है। अब क्या होगा, अब तो हम रोड से ऊपर आ गए, अब तो नीचे से छाता भी नहीं ला सकते। क्या होगा सच में इस बैग का, या तो मुझे भीगना पड़ेगा या तो आपको भीगना पड़ेगा। बिल्कुल यार, किसको भीगना है? किसी को नहीं भीगना है भाई। हाँ? यहाँ पे रह लेंगे, पेड़ के नीचे। इंच से अच्छा न्यार न्यार छो, ये मुरु किस कदम आराम से, ये मुरु की जुलमी बस ये नहीं लगने बरखा उधर नहीं लगते रे इंच बास से ना बस थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी बारिश थोड़ा कम हो गई है तो थोड़ा निकलते हैं अभी धीरे धीरे। तो मुझे पता है, मुझे पहले के दिन याद आ रहे हैं जब हम छोटे थे तो स्कूल से घर आते थे तो हमारे पास छाता कम, क्योंकि ले जाते नहीं थे हम छाता, तो जब बारिश होती थी बैग सहित हम ऐसे नियार के थुपड़े के नीचे छुप जाते थे जब तक बारिश कम नहीं हुई। और या तो हम कभी गाय के साथ रहते थे जंगल में, तो बारिश होती थी तो हम वडियार के नीचे छुप जाते थे, क्योंकि जंगलों में वडियार यानी कि गुफा बहुत होती है, तो उनके नीचे छुप जाते थे, वहाँ आराम से रह लेते थे। लेकिन आजकल तो वडियार उडियार क्योंकि जंगलों में रहते हैं ऐसे रास्ते में तो है नहीं, अगर कहीं पर रहते भी थे तो वो आजकल ये दीवार वगैरह देने के लिए पत्थर तोड़ देते हैं। तो अभी हमें फ़िलहाल ऐसे ही जाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हल्की बारिश हो रही है, थोड़ा राणा जी तो भीग लेंगे, मेरे पास बैग है। लेकिन भीगने का उतना कोई चांस नहीं है क्योंकि बारिश बहुत कम हो रही है। ऐसे टाइम पे स्कूल के दिन मुझे, मैं ये बैग रखे और छाता रखे, मुझे स्कूल के दिन बहुत याद आ रहे यार, वही तो बहुत मजे करते थे हम उस टाइम। अरे छूट गया था लेकिन वो डिलीट हो गया। डिलीट इसलिए हुआ क्योंकि उसमें बुराई हो रही थी। डिलीट इसलिए हुआ है कि मैंने बटन तो ऑन किया लेकिन वो पता नहीं ऑन हुआ कि नहीं हुआ। मुझे लगा था कैमरा वीडियो ऑन हो गया, पर अच्छा हुआ जब, क्योंकि उसमें मेरी बुराई हो रही थी बहुत ज्यादा। पर खैर छोड़ो, कभी तो फिर से वो सूट हो ही जाएगा कभी ना कभी, लेकिन जो मोमेंट एक बार चले जाता है वो दोबारा सूट होता नहीं है, क्योंकि छाता दोबारा फंसती की नहीं फंसती। लेकिन हो जाएगा दोबारा शायद कभी कभी, तो वो दिन आएगा। ये भी श्रामा टकन चला गया हूँ गिले हवा नीचे नहीं आता ना, अभी के बड़े से तो गए थे। तो
मैं जो सोचूं आज हम बहुत जल्दी पहुंच जाएगा घर, पर से जल्दी आ ही नहीं। खैर फिर भी जल्दी से जाना, और मुझे लगता है इस ब्लॉग के बाद कोई खुशखबरी मिलने वाली है। आई थिंक और वो ब्लॉग बनेगा, उसके ब्लॉग बनेगा कि कौन सी खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन मुझे लग ही रहा है कि अब तो कंफर्म मिल ही जाएगी, वो भी आप लोगों के सपोर्ट से। ये तो साफ बात है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी जाके खुशखबरी मिल सकती है, वरना खुशखबरी क्या, कुछ भी नहीं मिल सकता है कि नहीं है। सही बोल रहा हूँ मैं, आई थिंक सही बोल रहा। और मैडम की हालत थोड़ा बुरे हो गए हैं। बूढ़ी नहीं हुई मैं, थक गई। बूढ़े हुई है यार, बूढ़े नहीं बोला मैंने। अच्छा हालत बुरे, मुझे लगा कि बूढ़ी हो गई। वही तो, क्योंकि बैग जो ले रखे आज, बैग में छह किलो है। बैग है किसका? छह किलो टेंसा प्लास्ट का। फ्री का बैग हम यूज कर रही है। तो दगड़िया पहुंचा घर मुँह। हाँ। और ये जो दिख रहा है ना मैडम, ये है पोपटलाल। और ये है पोपटलाल की छाता, क्योंकि लगभग छाता हमेशा रहती है। मेरे पास नहीं है लेकिन इसके पास है, इसका मतलब ये पोपटलाल है। और इसके पास पोपटलाल की छाता है, ये छाता हाथ में रखी हुई है। बस अब साइज अलग है उसका। पोपटलाल की शादी होने वाली है, पोपटलाल की शादी हो रखी है। और तारक मेहता के उल्टा चश्मे में तो कभी शादी होगी ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत शौक से देखता हूँ उसको। एक दिन, सारे एक दिन, हाँ एक दिन तो उसकी शादी होती होती रहेगी, बल्कि उसकी शादी हुई ना, लेकिन उसकी शादी हुई लेकिन अरे तो वहाँ से भी नहीं हो पाया। तो ऐसे ही है हमारा ये पोपटलाल भी, और इस पोपटलाल की छाता भी, छाता तो रहेगी यार मेरे, इसलिए ये पोपटलाल बन गया है। छाता जरूरी है यार, बस अब इसका नाम है पोपटलाल। नहीं मेरा नाम पोपटलाल नहीं है। अब करो दोस्तों, आज हम इतनी जल्दी घर पहुंच गए हैं, तो अभी घर पहुंच गए हैं तो फिलहाल इस वाली वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी रास्ते की जर्नी? अगर पसंद आई है तो प्लीज आवर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, और पिछली मेरी जितनी भी वीडियो है सारी वीडियो देखो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है जो आप लोगों ने मिस करी है, आपने देखी नहीं है। अगर आप देखोगे तो सच में आपको बहुत पसंद आएगी। और ये रहा ब्रूनो, ब्रूनो बस 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 इतना ही। बस हो गया, हो गया यार बाबा, हो गया। चल हेलो कर थोड़ा सा, बस थोड़ा हेलो कर। हेलो दे रे, नहीं तो जाने, वो बताने जा रहा है प्रिंसु के पास, प्रिंसु के पास बताने जा रहा है कि वो आ गए हैं। तो दोस्तों प्लीज फिर से कह रही हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत करीब तक पहुँचाया है। अब मैं मुझे दूसरी खुशखबरी मिलने वाली है, और उससे पहले कि जब तक मुझे मिले तब तक आप मेरी सारी वीडियो देखें, और मिलते हैं एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। और वो वीडियो होगी, ये ब्लॉग होने के बाद मतलब वो वीडियो होगी मेरी प्रिंसु की बर्थडे की और मेरी खुशखबरी की। तब तक आप मेरे सारे वीडियो देखिए, जल्दी जल्दी मुझे खुशखबरी तक पहुंचा दो प्लीज यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।